नमस्कार दोस्तों, गो ग्रीन विद ऑर्गेनिक चैनल पर मैं आदित्य सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने दो फिंगर लाइम ऑस्ट्रेलियन फिंगर लाइम के प्लांट को ऑर्डर किया था और वो ऑर्डर हमारे पास तक पहुंच गया है। दोस्तों, एक ये वाला जो प्लांट है ये मैंने लोकल नर्सरी से कॉन्टेक्ट करके इसको बाय किया है और ये वाला जो छोटा वाला प्लांट आपको दिख रहा है, ये वाला बॉक्स, इसे मैंने फ्लिपकार्ट से एक जर्मन सेलर के थ्रू बाय किया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो प्लांट हमारा आया हुआ है इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। यहाँ पर हल्का सा हमारा ये बॉक्स जो कोरियर है ये हल्का सा डैमेज हुआ है, लेकिन आई होप ये प्लांट इसमें ठीक होगा। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं इसकी। प्लांट को अनबॉक्स कर रहे हैं और यहाँ पर इसका प्लांट दिखना स्टार्ट हो गया है और प्लांट को देखने से ही पता चल गया कि ये ओरिजिनल ऑस्ट्रेलियन फिंगर लाइम है, क्योंकि इसकी लीफ बहुत ही छोटी है, मिनिएचर लीफ है। तो इससे विश्वास होगा कि हाँ, ये प्लांट सही है। और हमारा बॉक्स डैमेज हुआ था, इससे प्लांट को कोई नुकसान भी नहीं हुआ है। देखने में ऐसा ही लगता है कि जो बॉक्स डैमेज हुआ था इससे प्लांट को हमारा कोई डैमेज नहीं हुआ है। ये रहा हमारा ऑस्ट्रेलियन फिंगर लाइन जो कि किसी एक लेमन के प्लांट के ऊपर ग्राफ्ट किया गया इसे, और काफी अच्छा रहा ये ऑस्ट्रेलियन फिंगर लाइन। अब इसे प्लांट करेंगे और जल्द देखेंगे कैसा होता है। दोस्तों, हमने प्लांट को लगाने के लिए सॉइल को प्रिपेयर कर लिया है। सॉइल में सॉइल कंपोजिशन सैंड सॉइल और वेल डिकम्पोज्ड कंपोस्ट या फिर आप काउ डंग मैन्योर ले सकते हैं। यहाँ पर सॉइल प्रिपेयर हो गया है, इसमें हम थोड़ा सा कोकोपीट मिक्स कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि कोकोपीट वाटर को होल्ड अच्छे से करेगा, बाकी सॉइल हमारी लाइट रहेगी। यहाँ पर सॉइल में हमने कोकोपीट को भी ऐड कर लिया है और इस सॉइल को हम पॉट में फिल कर लेंगे, हाफ फिल कर लेंगे। और यहाँ पर जो ये प्लांट हमारा आया है, हम इसके रूट बॉल को ब्रेक करेंगे। ये पूरा चिकनी मिट्टी है, इसे हम निकाल देंगे इधर से। धीरे धीरे जो एक्स्ट्रा सॉइल इसके ऊपर लगा हुआ है सारा निकाल के किनारे कर लेना है।
लगभग लगभग हमें सारा रूट क्लियर कर लेना है। जितनी भी चिकनी मिट्टी थी, हार्ड मिट्टी थी, हमने सारी मिट्टी को निकाल लिया है। अब खाली रूट यहाँ पर बचा हुआ है। अब हमने जो सॉइल प्रिपेयर किया है, इसमें इस प्लांट को लगा देंगे हम। यहाँ पर हमें पॉट में सॉइल को फिल कर लेना है, सॉइल हमने बनाया हुआ इसे फिल कर लेना है। और यहाँ पर इसमें आप इस प्लांट को रख करके सॉइल को फिल करके पॉट को हमें फिल कर लेना है। और बहुत ज्यादा भी सॉइल नहीं फिल करना, जिससे इसमें वाटरिंग करने के लिए कुछ स्पेस रहे। यहाँ पर अल्टीमेट हमने प्लांट को लगा लिया इसमें। और प्लांट को लगाने के बाद एक बार हमें इसमें अच्छे से वाटरिंग करनी पड़ेगी। प्लांट को लगा लेने के बाद इसमें वाटरिंग कर देंगे। दोस्तों, वाटरिंग कर देने के बाद हमें प्लांट को सेमी शेड वाले प्लेस पर रखना होगा, जहां पर हार्ड सनलाइट ना आता हो। हमें इसी किसी प्लांट के शेड में, पार्शियल शेड में रख देना है। एक हफ्ते के बाद जब प्लांट अच्छे से स्टेबलाइज हो जाए, इसके बाद हमें फुल सनलाइट में रख देना है। और इस प्रकार हमारा लाइम का प्लांट से पॉट में अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। दोस्तों, हमने जो ऑस्ट्रेलियन फिंगर लाइम का प्लांट मंगाया हुआ था, हमने इसे पॉट में लगा दिया है। और कुछ दिनों के बाद ये कैसा रहता है, इसका अपडेट मैं दूंगा। तो दोस्तों, ये रहा प्रोसेस ऑस्ट्रेलियन फिंगर लाइम को लगाने का। मिलते हैं ऐसे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।